हेलो व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल DBM, बोले तो डायनेक बाय मोइन। तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल पे। तो जैसा आप लोग ने मेरा लास्ट पार्ट में देखा होगा महाबलेश्वर के, जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी मुंबई से, हमने पहले ही जो पार्ट में उसमें पूरा पंचगनी हमने कवर किया, पंचगनी के पार्ट्स आपको मैंने बताया। अब ये जो सेकेंड पार्ट है ये अभी आधे दिन से शुरू हुआ है, आधे दिन से हम लोग सीधा शुरू करें महाबलेश्वर से। तो मैंने सोचा कि पंचगनी आपको अलग दिखाओ, महाबलेश्वर आपको अलग दिखाओ। तो पॉइंट्स जो आपको महाबलेश्वर में विजिट करने चाहिए हम वो कवर करने वाले इस ब्लॉग में। तो सबसे पहला ही जो पार्ट है वो है किड्स पॉइंट। हम लोग डायरेक्ट किड्स पॉइंट पर आ चुके हैं लास्ट मेट्रो गार्डन के बाद। तो चलिए फिर आपको यहाँ का किड्स पॉइंट का भी नज़ारा दिखाया जाए। तो ये रहा गाइस हम सबके सामने किड्स पॉइंट, जो कि 1290 मीटर्स ऊपर की तरफ है। ये मेन मार्केट से लगभग 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स जो कि महाबलेश्वर को कवर करते हैं उनका कवर पेज जो होता है वो यही की फ़ोटोग्राफी ज़्यादा की जाती है। अदर देन दैट यहाँ का जो टाइमिंग होता है गाइस जो कि होता है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM, इसके बाद यहाँ पे किसी को भी आना अलाउड नहीं करते। ये कुछ नज़ारा था यहाँ के किड्स पॉइंट का। किड्स पॉइंट के बाजू में गाइज आप लोग को एक और एक पॉइंट है जो आपको वॉकिंग डिस्टेंस में, ये जैसे मैं अभी चलते हुए जा रहा हूँ, उसके बाजू में आपको मिलता है एलिफेंट पॉइंट। एलिफेंट पॉइंट आपको गाइज जो है वो आपको पूरा एलिफेंट का जो हेड होता है वो पूरा आपको देखने मिलता है। तो मैं आपको अभी वो भी शो करता हूँ। तो फिलहाल लेकिन बात ये है कि जो महाबलेश्वर का जो क्लाइमेट होता है ना राहुल, वो क्लाइमेट फिलहाल नहीं है, वरना हमेशा क्लाइमेट रेनी सीजन में आओगे तो पूरा फॉग वगैरह मिलेगा। हाँ हाँ, बट इस बार भी हम लोग दिसंबर में आए लेकिन नवंबर में आए, मतलब तो भी फॉग वगैरह कुछ है नहीं, और अभी बीच में बारिश भी गिर के गया तो इसके वजह से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है फिर भी, लेकिन महाबलेश्वर तो महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में कोई हिल स्टेशन मुझे नहीं लगता उसके कंपेयर में है। तो अभी हम बातें करते करते पहुंच चुके हैं एलिफेंट हेड वाले पॉइंट पे। तो आपको मैं एक झलक दिखाता हूं एलिफेंट हेड की। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो जब आप नॉर्मली महाबलेश्वर आते हो तो दो पॉइंट आपके एक साथ हो जाते हैं। पहले जो मैंने आपको दिखाया गेट पॉइंट, सेकंड जो होता है निडल पॉइंट, जिसमें आप कुछ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है दोनों आजू बाजू में। तो ये आपके दो पॉइंट इधर ही हो जाते हैं। पब्लिक देख सकते हैं आप, हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं तापोला। तापोला में आप पीछे जो नदी देख रहे हैं, जो ये गांव दिख रहा है आपको, यही है राहुल का गांव। छोटा सा क्या ही गांव है यार, मतलब यहाँ से हम लोग एक्चुअली टॉप से व्यू देखने आए थे राहुल के गांव का। और आप पीछे देख सकते हैं जो नदी जा रही है एंड जो गाँव आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
छोटा छोटा वो ये राहुल का गाँव। एक्चुअली हम लोग जो हम लोग ने एलिफेंट हेड जो देखा था उसके बाद में हम लोग ने सीधा खाना खाया, जो हम लोग को जाना था 2-3 स्पॉट पे महाबलेश्वर के, बट हम लोग ने वो नहीं कवर किए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट कोई बात नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं राहुल के गांव में, रात भर हम लोग वहीं पर वेट करेंगे। अभी सब बारबेक्यू वगैरह का प्लान है, जो अभी नाइट पूरी हमारी ऐसी होगी, देर रात को आराम करेंगे एंड कल सुबह निकलेंगे न्यू डेस्टिनेशन पे। तो स्टे पब्लिक क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या ही बोलूँ यार, जो दिन भर की जो थकान थी, हम लोग आज बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे, बट उसके बाद जो जगह हम लोग आए हैं, ये जगह है राहुल का गांव। ये आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हो, ये जो पूरा गांव है, ये है राहुल का गांव। और क्या बोलूँ यार, मतलब देख के पूरी थकान उठ चुकी हम लोग की, बिकॉज प्रॉपर गाँव जो होता है ना, प्रॉपर गाँव जो आजकल के ज़माने में देखने मिलता ही नहीं है, लेकिन ये जो घर वगैरह है इन्होंने अभी भी एज इट इज़ रखा है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं, पूरा गांव, यहाँ तक कि पूरे गांव ने अभी तक चेंज नहीं किया है। यहाँ पे वैसे कोई रहता नहीं है। राहुल अभी उन्होंने दरवाज़ा खोला है, ताला था दरवाजे को, आपको मैं एक बार ज़रूर दिखाता हूँ उनका घर, एक गाँव की झलक भी। पास ही में यहाँ पर नदी भी है, तो नदी में तो हम ऑब्वियस इंजॉय करेंगे। एंड मेन चीज़ पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, तो नो टी वी, नो मोबाइल, नथिंग, सिर्फ आज की नाइट हम लोग की होगी। तो हमने बारबेक्यू वगैरह का फुल बंदोबस्त किया हुआ है, फुल होगी मस्ती मजाक धमाल। तो पब्लिक आप एक बार देख लीजिए राहुल के घर की एंड गांव की छोटी सी झलक, एंड नदी वगैरह जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा मेरे अगले व्लॉग में देखने के लिए, मतलब कल। तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइज ये थी एक छोटी सी झलक राहुल के गांव की, राहुल के घर की। अगले व्लॉग में गाइज आप लोग को मैं पूरा इसका आजू बाजू का पूरा एरिया बताऊंगा, इसमें हम लोग नदी में जाने वाले हैं उधर, उसके बाद में हम लोग प्रतापगढ़ जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग उम्मीद ट्राई करके बोटिंग भी करना। तो अगला व्लॉग भी देखना मत भूलिए। तो आज के व्लॉग फिर करते हैं यहीं पर ख़त्म, अंधेरा भी हो चुका है। तो मिलते आपको मेरे सीधे अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरा ये दोनों ब्लॉग पसंद आए होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 3 भी जल्दी आएगा। स्टे ट्यून गाइस, तब तक के लिए।